नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो षट तिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को भोजन में तिल का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो षट तिला एकादशी के दिन भोजन में तिल का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी लोगों को इस विषय में काफ़ी मतभेद रहता है कि जो हम भगवान को तिल चढ़ाते हैं तो क्या भोजन में भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी व्रती भोजन बनाए उसके अंदर तिल का प्रयोग कर सकता है, चाहे आप व्रत रखे, उपवास रखे या फिर व्रत उपवास नहीं रखे, तो भी इस दिन षट तिला एकादशी के दिन व्रत के अंदर तिलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए, तिल का भोजन बनाना चाहिए। और लेकिन ख़ास तौर पे इस व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आप जब भी भोजन बनाएं तो मीठा भोजन बनाएं और तिलों जो कोई भी भोजन बनाएं, चाहे आप कैसा भी भोजन बनाएं, उसमें थोड़ी बहुत तिल जरूर डाल देने चाहिए। इससे षट तिला एकादशी के दिन खास तौर पे तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिलों के पानी से स्नान किया जाता है, तिलों की तेल से मालिश की जाती है, तिलों का दान किया जाता है और खास तौर पे तिलों का सेवन भी किया जाता है। इससे षट तिला एकादशी का व्रत पूरा होता है। इसीलिए आज षट तिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। जब ही तो इसका नाम षट तिला, षट मतलब छह, तिला मतलब तिलों का प्रयोग, छह तरीके से तिलों का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो षट तिला एकादशी के दिन हमें भोजन में तिलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।